नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर शाहबाद हरदोई से। जनपद हरदोई की तहसील शाहबाद की ग्राम सभा धर्मापुर में कोटेदार संतराम गुप्ता की दबंगई से ग्रामीणों को मायूसी देखने को मिली है। ग्रामीणों ने अपनी परेशानी हमारे संवाददाता को बताते हुए कहा कि मेरे गांव का कोटेदार संतराम गुप्ता अपनी दबंगई दिखाकर राशन वितरण करते समय कई बार दौड़ाता है और फिर भी राशन कम देता है। ग्रामीणों ने बताया कि वह 4 यूनिट पर 16 किलो और 6 यूनिट पर मात्र 20 से 22 किलो ही राशन देता है, मतलब प्रति यूनिट 1 किलो राशन कम देता है। कई बार तो अंगूठा लगवा लेता है और जब राशन लेने जाओ तो आजकल करते करते 15 दिन निकाल देता है और हम लोगों का राशन हड़प लेता है। कई ग्रामीणों ने बताया कोटेदार का 5 किलो बांट भी कम है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं रखता। ग्रामीणों ने बताया हम लोगों ने कई बार इसकी ऑनलाइन शिकायत की लेकिन किसी अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की। कार्यवाही ना होने के कारण दबंग कोटेदार के हौसले और भी बढ़ गए हैं। कोटेदार कहता है कि जब हमें कम राशन मिलता है तो हम कम ही देंगे, आपको जहां शिकायत करनी है करो, मेरा कुछ नहीं होगा। वही राशन की दुकान धर्मापुर में होने के कारण उसी ग्राम सभा के औढ़ेरी गांव के ग्रामीणों को राशन लेने 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कोटेदार एक दिन अंगूठा लगवाता है और दूसरे दिन राशन देने के लिए बुलाता है और फिर गायब रहता है, जिससे इन बेचारों का अपना काम छोड़कर बार बार दौड़ना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोटेदार पर कार्रवाई नहीं होती तो वह मजबूरन तहसील पर धरना देंगे। अब देखना यह है कि लगातार शिकायत करने के बावजूद कोटेदार पर जिम्मेदार क्या कार्रवाई करते हैं, जिससे गरीब को उनका पूरा राशन मिल सके और बार बार कोटेदार के चक्कर न काटने पड़े। इसी संदर्भ में वहां उपस्थित ग्रामीणों से बातचीत की गई, आइए सुनते हैं। होली देखा जो का है पर्ची लंबा पर्ची पर मिलती गल्ला हाँ। पर्ची पर हाँ। कितो देते देते 10 किलो ना ही पूरे देते के कम देते करो है कितो कम देते 1 किलो कम देते हैं और कम कम 8 किलो देते हैं। अच्छा, का नाम कोटेदार? अरे अब तीन आए दो यार, चुप ही सल्ला कर ले गाना, दो चार छह जने चले आई है वही नहीं गाना बांट दी थोड़ा कई बनी है भाई, इन्हें साइड अप कर लियो, साइड अप बैठो पीछे। कहां जा रहे हैं? अरे पता जरा थोड़े तो खिलाफत हमारी ले भाई।